हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, जिसे केमिकल डायनेमिक भी कहा जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपको, जो कि सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एमएससी में आपको फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में मिल जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी करेंगे तो केमिकल डायनेमिक या केमिकल काइनेटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आज शुरू करते हैं, क्या होता है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे कि कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं और केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैंने फिजिकल केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सभी टॉपिक्स का बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। आप जाके चैनल चेक कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा, जो कि एमएससी सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, जो आई होप कि आपके लिए यूजफुल हो। तो आप जाके चेक कर सकते हैं चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का। इससे पहले मैंने बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनेमिक जो है पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, इसे ही केमिकल डायनेमिक भी कहा जाता है। यही यूनिट को केमिकल डायनेमिक कहा जाता है। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील विथ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब केमिकल काइनेटिक्स जो है फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, जो कि किसके साथ, किसी भी रिएक्शन के साथ, कोई भी रिएक्शन हमारा हो रहा है, कोई भी रिएक्शन, जैसे रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, मतलब ये रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें उसका दर क्या है, उसका रेट क्या है, उसके साथ जो है डील करता है, उसके बारे में हमें बताता है केमिकल काइनेटिक्स किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स गवर्निंग रेट ऑफ रिएक्शन, और फैक्टर्स के बारे में बताता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे होते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर वर्क करते हैं, उसको गवर्न करते हैं, उस प्रकार उस फैक्टर्स को जो है हमको बताता है केमिकल काइनेटिक्स। मतलब किसी भी रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन के रेट का हम स्टडी करते हैं, उसके दर क्या है, और साथ ही साथ उसके फैक्टर्स क्या वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर केमिकल काइनेटिक्स यूनिट्स में पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसके बाद हम इसका मेन वाला रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे। तो उससे पहले इस वीडियो में हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ये इजी टॉपिक है, जो कि सेमेस्टर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो आपको एक हैंडमेड नोट्स है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है और आपको इतना ही इनफ है ये, और मैं जितना मुझे आता है समझाने का प्रयास करता हूँ। आई होप कि आपके लिए यूजफुल हो, और साथ ही साथ इसको आप अपने हैंडमेड नोट बना सकते हैं। तो रिएक्शन ऑफ, ये आप बेसिक इसका इंट्रोडक्शन याद कर सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स का। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट, रेट रिएक्शन के हिसाब से थ्री टाइप के होते हैं। पहला वेरी फास्ट और इंस्टेंट टेनियस, मतलब वेरी फास्ट, टेक अबाउट 10^-14 सेकेंड फॉर कंप्लीशन। मतलब कोई भी रिएक्शन है जो रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको कंप्लीट होने में 10^-14 सेकेंड का ही टाइम लगता है कंप्लीट होने में। तो उस प्रकार के रिएक्शन को वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड का जब हम रिएक्शन करेंगे, तो हमें ये हमारा AgCl, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। इसको ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है हमारा। उसी प्रकार जब हम एसिड HCl और बेस NaOH को लेते हैं, तो हमारा NaCl सॉल्ट का निर्माण होता है। ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, प्लस H2O हमारा इसमें बनता है प्रोडक्ट, हमें NaCl प्राप्त होता है इस रिएक्शन में। तो ये दो एग्जांपल आप दे सकते हैं फास्ट रिएक्शन में, 10^-14 सेकंड का टाइम लगता है। उसी प्रकार दूसरा हमारा रिएक्शन है मॉडरेट रिएक्शन, ये सेकंड टाइप का रिएक्शन है, मध्यस्थ रिएक्शन है। मतलब दिस टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोसीड विथ अ मेजरेबल रेट एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में मेजरेबल रेट, मतलब इसको जो है नापा जा सकता है इस मॉडरेट रिएक्शन को, मतलब इसका मान हमको प्राप्त होता है। तो ये एग्जाम्पल इसका एक है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, तो 2H2O2 इक्वल टू 2H2O+O2 हमारा ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन जब हो रहा है तो ये मॉडरेट रिएक्शन में आता है, मेजरेबल है, इसको हम माप सकते हैं। तीसरा है वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, इट
इन इट्स रिएक्शन वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमको बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करने में। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जो हमारा अपघटन होता है उसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। जैसे कि लोहे के टुकड़े को अगर बारिश में रख देंगे, छत में रख देंगे, तो धीरे धीरे जो है उसमें जंग लग जाता है, उसी को रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। तो इसका रिएक्शन का ये है Fe2O3 या आयरन ऑक्साइड, जब XH2O के साथ मतलब मैनी नंबर्स ऑफ वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है तो हमारा ये रस्टिंग बन जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाता है, ये जो है वेरी स्लो रिएक्शन में आता है। तो ये बस बहुत सिंपल सा टॉपिक था, बेसिक इंट्रोडक्शन था केमिकल डायनेमिक में। केमिकल डायनेमिक या केमिकल काइनेटिक्स में हम आगे पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, एब्सोल्यूट रेट थ्योरी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा और बेसिक इंट्रोडक्शन समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप कि आपके लिए यूजफुल हो ये सारे नोट्स, ये टॉपिक्स। तो बस यही था बेसिक इंट्रोडक्शन केमिकल काइनेटिक्स का, आई होप कि आपके लिए यूजफुल हुआ हो। आगे की वीडियोस देखने के लिए, इस प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।